हेलो फ्रेंड, आज हम अनबॉक्सिंग तो नहीं लेकिन रिव्यू करेंगे एटी पोस्ट प्रिंटिंग ब्लूटूथ रिसिप प्रिंटर है। इसे एपीएस में बखूबी यूज किया जाता है। तो मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि मुझे एक भाई ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करे पेटीएम के बीसी ऐप से एपीएस का रिसिप निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज हम इस वीडियो में एटी पोस्ट प्रिंटिंग, मतलब इसका प्राइस लगभग 3000 के आसपास होता है, मैंने एक साल से यूज कर रहा हूँ। इस पे पेटीएम हो, आपका एयरटेल हो, आपका डीजी पे हो या फिर आपका टेन ईयर बाय हो, आप किसी भी एपीएस का प्रिंट इससे इजीली किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इसके लिए जरूरी है, यानी कि कौन से हम डिवाइस को यूज करें, सॉफ्टवेयर का यूज करें, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन है। तो एक सेपरेट वीडियो मेरे एक साल ज्यादा टाइम हो इसे यूज करते हुए, बहुत ही अच्छा अभी तक काम कर रहा है। तो इसका आज एक टोटल मैंने सेपरेट लेके आया हूँ, जो लोग क्वेश्चन से इस प्रकार के। अगर आपके पास एक ब्लूटूथ रिसिप प्रिंटर है तो भी आपके लिए वीडियो स्पेशल है, अगर आपके नहीं है तो भी आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे वर्क करता है, कैसा काम, प्रिंट आउट कैसा निकलता है, स्लिप किस प्रकार देखने को हमें इसमें मिलती है। तो चलिए वीडियो को और लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशली सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा पेटीएम का बीसी एप्लीकेशन ओपन है, यहाँ पे हम एक एपीएस खुद का बैंक ट्रांजेक्शन करेंगे और इसका रिसिप्ट हम इसपे निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपको ये जो भी ब्लूटूथ प्रिंटर उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट किया था वाया ब्लूटूथ। तो देखो सबसे सिंपल तरीका है, अपने ब्लूटूथ को ओपन कर लो एंड आपकी ये सिस्टम ऑन होनी चाहिए एंड ब्लूटूथ के थ्रू आपको देख लेना मेरा ब्लूटूथ प्रिंटर कनेक्ट है। इसका पासवर्ड होगा 1122 या 4x0 होगा। आपको अपने मोबाइल फोन से इसे पेयर कर लेना। अब पेयर करने के बाद आती है यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर जो इसको इंस्टॉल करने मत करिए, यानी कि आप डायरेक्टली प्रिंट कर लोगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आपको प्ले स्टोर से नॉर्मली ढूंढना होगा, दो सॉफ्टवेयर दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। पहला जो सॉफ्टवेयर हम यूज में लेंगे वो है ESC पोज प्रिंटर, इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बताया था इसके बारे में, मैंने बनाया था। और दूसरा है रॉ बीटी प्रिंटर, मेरे दोनों इंस्टॉल ऑलरेडी है, ठीक है, ये दो है। अभी दोनों के बारे में बता दूं कि दोनों फ्री तो है दिखती है लेकिन कुछ प्रिंट के बाद ये पैसे मांगती है, तो आप इसे परचेस करो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप गूगल सर्च कर लो प्रीमियम वगैरह तो आपको मिल जाएगा इसका प्रीमियम वर्जन। लेकिन मैं कहूंगा आप परचेस कर लो, क्योंकि डेवलपर कुछ फायदे होंगे तो आपके लिए और सर्विस इंप्रूव करने में लगे, बाकी आपकी मर्जी जो है। तो हमारे पास दोनों सॉफ्टवेयर आ गया, हमारा ये ब्लूटूथ सपोर्ट है, ब्लूटूथ हमने कनेक्ट कर लिया, हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप काम कंप्लीट हो गया। आप दोनों सॉफ्टवेयर ओपन करोगे और यहाँ पे पेयर कर लोगे अपने ब्लूटूथ को। नॉर्मल सा पेयर का ऑप्शन, सिंपली सेट प्रिंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ प्रिंटर टच कर देना, बस हो गया पेयर और कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे हमने पेयर कर लिया हमारा सब कुछ, हम खोलते हैं एपीएस पोर्टल और हम एक ट्रांजेक्शन बैलेंस कोड अपना करते हैं और प्रिंट निकालेंगे। ESC पोस्ट में पेटीएम में यूज करूंगा, मैं एयरटेल का भी करके दिखाऊंगा, मैं CSC का भी करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहे। अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे पेटीएम का, तो अपना एक अकाउंट चेक करके आपको उसका रिसिप्ट निकाल के एटी पोस्ट से, ESC पोस्ट प्रिंट से और रॉ बीटी दोनों दिखाई, किसकी क्वालिटी अच्छी होती है वो आप खुद समझ लेना। तो जब तक मैं ट्रांजेक्शन चेक करता हूँ आपको एक इन्फॉर्मेटिव बात बता दूं कि यहाँ पे जब कस्टमर का नंबर मांगा जाता है ना, आप लोग जो सो नंबर ना डाले, या तो अपना नंबर डाले या कस्टमर का नंबर वहाँ पे डाल दे। अच्छा, जो सो नंबर ना डाले तो बेहतर है, नंबर डालने से क्या हो सकता है, मैं आपको इस स्क्रीन पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो ऊपर इन्फो पे या फिर डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं किसी और का नंबर जो सो नंबर डालने पे क्या हो सकता है आपके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेस्ट करते और हम यहाँ फिंगर ला के अपना जो मोरपो पर लाइट ब्लिंक कर रही है, हम यहाँ पे सिंपली चेक करते अपना बैलेंस को। अभी हम पेटीएम यूज कर रहे हैं तो हमारे बैलेंस दिख गया है, आपको मैं दिखा दूं 2080 रुपए दिख रहे हैं। अभी जब प्रिंट करेंगे, देखो प्रिंट करने में सिंपली डाउनलोड क्लिक किया, प्रिंट जिप ओपन किया और जितने भी प्रिंटर है मेरा बाय डिफॉल्ट ESC पोस्ट प्रिंटर यहाँ दिख रहा है, आप जैसे इस पर टैप करेंगे ना, मेरे कुछ प्रिंटर वाईफाई से है, यहाँ पे ESC पोस्ट प्रिंटर और ब्लू रॉ बीटी दोनों दिख रहा है। अभी हम ESC पोस्ट प्रिंटर पर सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट पे यहाँ पे जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर देंगे प्रिंट, लेफ्ट साइड प्रिंट निकल चुका है, हम इसे फाड़ के अलग कर देते हैं, ये हमने ESC पोस्ट प्रिंट से निकाल। अब फिर प्रिंट क्लिक करेंगे, जितने कंडीशन मैंने कह दिया करने के लिए वो नहीं करोगे आपको इरर मारेगा। ओपन एंड यहाँ पे हम रॉ बीटी का यूज करेंगे और इसे प्रिंट करेंगे। चलो हमारा यहाँ प्रिंट निकल चुका है। Now look, मैंने कुछ बेसिक से डिटेल कार्ड दिए हैं यहाँ पे एंड आपको ये मैं राइट हैंड में जो मेरा है ये जो है अभी रॉ बीटी की प्रिंटिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे पेटीएम का लोगो, शायद में यहाँ डिजाइन वगैरह ये प्रिंटिंग काफी ठीक ठाक आई है इसके ऊपर। अगर हम बात करें
ESC पोस्ट प्रिंट की तो ये वाली है, उसकी प्रिंटिंग उतनी अच्छी रही मुझे देखने में मिली। यहाँ पे देखो पेटीएम का भी लोगो उतना अच्छा नहीं, और यहाँ पे उनका लोगो डिजाइन जो आता है प्रिंटिंग का वो यहाँ देख सकते, दोनों के मुकाबले अच्छी नहीं। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करो। मुझे लगता है रॉबिटी ज्यादा बेहतर है प्रिंटिंग के मामले में, इसकी क्लियरिटी भी अच्छी है। अभी मेरा जो पेपर है इसका क्वालिटी में बताता, पेपर की क्वालिटी होती है प्रिंटिंग अच्छा आना खराब आना। आप जितने अच्छे क्वालिटी पेपर रखोगे उतना सुंदर प्रिंटिंग दिखेगा, जितनी लो क्वालिटी पेपर रखोगे उतना आपको डार्क नहीं मिलेगा, प्रिंटिंग नॉर्मल मिलेगा। तो पेपर किस प्रकार का ले ना ले इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर वो वीडियो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। प्रिंटिंग कौन सा है, तो यहाँ पे रॉ बीटी जो जीत चुका है उसकी प्रिंटिंग काफी अच्छी है। यहाँ पर ESC पोस्ट प्रिंट की प्रिंटिंग आप देख सकते हो उन्होंने। अब तो ये बात प्रिंट करने की, आप बोलोगे कि भैया पेटीएम से आपने कर लिया, अब हमें CSC से दिखाओ, DZPay वगैरह से दिखाओ। तो चलिए DZPay पे हम देखते हैं, हम यहाँ बैलेंस को करते हैं DZPay से। चलिए पेमेंट डिक्लाइन हो गया क्योंकि हमारा यहाँ पे फिंगर मैच नहीं किया, तो अभी फिंगर मैच का तो इशू नहीं है, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे जो DZPay का क्या फायदा है ना, इसके लिए कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। पेटीएम जैसे एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, DZPay एयरटेल इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन देखा, सिंपली आप कनेक्ट पर टैप करेंगे, आपने तो ब्लूटूथ से पेयर किया डिवाइस को, सिंपली वो ब्लूटूथ दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है आपका, यहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा। अब सिंपली आपको प्रिंट पे टैप कर देना है, आपको एक लंबा चौड़ा प्रिंट DZPay के ऊपर देखने को, इतना लंबा प्रिंट देखेगा। तो ये प्रिंटिंग भी अच्छी आई है, क्वालिटी भी ठीक ठाक आई है, देख सकते हैं आपको। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैंने हाइड कर दिया है अपने अंगूठा रखकर, बाकी DZPay पे डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन जो उतने इजीली आप प्रिंट यहाँ से कर सकते हो। प्रिंट थोड़ा लंबा आता है, पेपर बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। पेटीएम में छोटा प्रिंट आता है, मैं दिखाऊँ कि इसके मुकाबले कितने बड़े हैं। तो जितने भी एक DZPay निकला है इसका डेढ़ निकल जाएगा पेटीएम में, देख सकते हो यहाँ पर। ये DZPay के थे, अब बात करते हैं एयरटेल की। तो चलिए हम यहाँ पे आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक से पेटीएम का बैलेंस चेक करते हैं। हमारे ले लिया, यहाँ पे मांगा गया पिन, इसे सबमिट एंड यहाँ पे सक्सेस है एंड हमारा बैलेंस दिख गया है यहाँ पे। अब इसे प्रिंट कैसे करें, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन देख रहे हो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली इस पर टैप करना है, यहाँ पे प्रिंट यूजिंग एयरटेल प्रिंटर, प्रिंट यूजिंग वाईफाई प्रिंटर, तो हम एयरटेल के प्रिंटर मिली है तो उसे कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा प्रिंटर तो वाईफाई प्रिंटर पर टैप करेंगे। सिंपली यहाँ पे उसी पेटीएम की तरफ प्रोसेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको चूज करना है किससे प्रिंट करना है। हम यहाँ पे रॉ बीटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका आइकॉन आ जाएगा, हम यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट पर टैप कर देंगे। आप सामने देख सकते हैं प्रिंट निकल गया हमारा। एयरटेल का पिन लगभग DZPay की प्रिंट के बराबर ही आया है, ये हमारा पेटीएम का है। और इसकी मैं कुछ डिटेल्स अगर दिखा दूँ तो कस्टमर नेम वगैरह आपको यहाँ पे कुछ डिटेल दिखेंगे, तो इसकी प्रिंटिंग ठीक ठाक ही आई है, आधार नंबर टीसी देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसकी साइज बात करें तो DZPay के आसपास ही तो थोड़ी छोटी है कि साइज प्रिंट आई है। अब एयरटेल की बात करें तो क्यों ना पे नियर बाय को भी टेस्ट किया जाए कि उन पे कैसे प्रिंट आउट निकल। आप किसी भी API यूज करते हो, आपका वो प्रिंट रिसिप्ट दे रहा है, तो आप किसी भी ब्लूटूथ प्रिंटर से प्रिंट नहीं, जरूरत नहीं कि ATP पोस्ट है तो ये सिर्फ CSC का तो वही काम करेगा, आपने पेटीएम का सिर्फ पेटीएम में काम करेगा। आपने एयरटेल की खरीदी तो एयरटेल से का ऐसा कोई जरूरत नहीं, आप ब्लूटूथ प्रिंटर हो, आप किसी पर्पज पे किसी भी एप्लीकेशन से यूज कर सकते हो। चलिए हम आगे पे नियर बाय एप्लीकेशन के ऊपर एंड बैलेंस को हम जाते हैं एंड डिवाइस हमारे स्टार्टेक यूज कर रहा हूँ मैं अभी एंड आधार नंबर से भर के हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हो गया है, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन अगर हम करें तो नीचे आपको डिटेल देखने को मिल सकता है प्रिंट रिसिप्ट का। यहाँ पे हम सिंपली इसमें क्लिक करते हैं पे नियर बाय एप्लीकेशन के ऊपर, पे नियर बाय भी डायरेक्टली ब्लूटूथ प्रिंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, आपको ऐसा नहीं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत पड़े, आप डायरेक्टली ही प्रिंट कर सकते हो। सिंपली प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे एंड कौन सा प्रिंटर यहाँ पे दिख रहा है, रोगीटेक है, ब्लू प्रिंट है, तो मैं इसे किसी भी एक पे क्लिक करके देखता हूँ काम करता है कि नहीं। चलिए हमने किसी एक पे क्लिक किया और मैंने यही 80 पोज है मैंने सिंपली कर दिया, डिवाइस कैरेक्टर दिखा रहा है, सिंपली प्रिंट रिसीव करके देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं होता है। इससे मेरे प्रिंटर ऑप्शन में नहीं थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रिंट हो चुका है। और इसकी मैं क्वालिटी की बात करूँ, वो डिटेल कुछ हाइड करके, तो क्वालिटी कुछ बुरी नहीं है, अच्छी प्रिंटिंग आई है। और इसकी साइज की बात अगर करें तो ये लगभग हमारे यहाँ पे एयरटेल के बराबर ही है, लेकिन सबसे छोटा साइज बात करो तो पेटीएम का रिजल्ट काफी छोटी है, इससे पेज के मुकाबले ज्यादा आप लोगों को प्रिंट आउट दे सकते हो, स्टेटमेंट की हो, बैलेंस इंक्वायरी की हो, या फिर विड्रो डिपॉजिट जो भी आप कर रहे हो उससे EPS के रिसिप्ट में आप वहाँ पे दे सकते हो। ये
एयरटेल की और पेटीएम इक्वल इक्वल। आप किसी भी एपीएस का यूज करो, आप वहां पे इसको बखूबी और इजली यूज कर सकते हो। ये लगभग 3000 के आसपास आता है। इसको खरीदना तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, इसका रिव्यू कैसा काम करता है जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम परचेस किया था उसका वीडियो ऑलरेडी है डिस्क्रिप्शन, आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएगी। 80 पोस्ट ब्लूटूथ प्रिंटर के ऊपर में, ये दो किस्म के आते हैं, एक ब्लूटूथ एक बिना ब्लूटूथ के, तो आप देख लेना आपका ब्लूटूथ है या नहीं है। जिन भाई कुछ शुरू आ रहे थे जो मैंने स्पेशली मुझे मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पे, तो उनको कहूंगा कि उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर प्रिंटिंग काम आप पेटीएम से कर रहे हो, जिस भी एप्लीकेशन कर रहे हो आप कर पाए हो, आपको कोई इश्यूज ये वीडियो देखने का जरूर नहीं आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा है आप नीचे अपनी राय कमेंट करें जोर दे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो में आपको अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेज वैल्यू आपके लिए रहा होगा। वीडियो अच्छा वीडियो लाइक करें, आपकी राय प्रॉपर स्टिल बनी हुई तो नीचे आप कमेंट करें, पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे चैनल नए पहली बार आए ऐसे नॉलेजबल इंटरटेनमेंट टेक्निकल एजुकेशन बनाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन ऑल पे दबाएं ताकि मैं जो भी नई वीडियो इन्फॉर्मेटिव अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी कोई नॉलेज वीडियो साथ, तब तक के लिए आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल साइनिंग आउट। देखो मगर प्यार से।